कहा जाता है कि मर्द की कामयाबी के पीछे किसी एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरा मानना है उस औरत के पीछे भी मर्द का एतमाद होता है, जिसकी वजह से वो मर्द की रीढ़ की हड्डी साबित होती है। औरत नाजुक होती है और मर्द सख्त जान। इसके बावजूद औरत मर्द का थप्पड़ भी सह लेती है और मर्द उसकी ऊंची आवाज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। औरत की मोहब्बत से नहीं, उसकी नफरत से डरना चाहिए कि वो जिसको खास से आम कर दे तो उसके हक में की गई दुआएं तक छीन लेती है। अल्लाह ने औरत को मर्द की पेशानी से नहीं बनाया कि वो मर्द पर हुकूमत करे, ना ही उसके पांव से कि वो उसकी गुलामी करे, बल्कि उसकी पसली से बनाया ताकि वो उसके दिल के करीब रहे। अगर औरत को रोने के लिए कांधा मुयस्सर ना हो तो वो मजबूत हो जाती है, मोहताज नहीं रहती। एक बार उसे दिलासा ना दो तो अगली बार कभी आपके सामने बिखरा हुआ वजूद नहीं लेकर आएगी। एक दफा वो बात सुनाना चाहे और तुम कहो फिर किसी वक्त सही, अभी मसरूफ हूँ, तो वही बात वो कभी नहीं बताएगी। उसे जब भी मेरी ज़रूरत होती थी मैं मसरूफ होता था, वो जब कुछ सुनाना चाहती थी मैं बेतवज्जही से सुनता या सुनता ही नहीं था। नतीजा वही हुआ, उसने कहना छोड़ दिया, वो मजबूत हो गई और मेरी मोहताज नहीं रही थी, उसे अकेला रहना आ गया था। औरत जब तक मर्द से दूर रहती है तब तक वो मर्द के लिए सबसे ज्यादा हसीन, दिलकश और नायाब चीज होती है, लेकिन जिस वक्त औरत मोहब्बत का इकरार कर लेती है तो उसी वक्त मर्द की निगाहों में औरत की अहमियत और दिलकशी पहले की निस्बत कम हो जाती है और औरत की निगाहों में मर्द की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि औरत इकरार करके कैद हो जाती है और मर्द इकरार सुनकर आजाद हो जाता है। मर्द औरत को अपनी बेरुखी बेतवज्जही से जब खो देता है तो कहता फिरता है कि औरत में वफा नहीं होती। क्या सच में उसे अपना वो रवैया, अपना थुतकारता हुआ लहजा याद नहीं रहता, या फिर उसकी अना उसे अपनी गलती नहीं मानने देती? जब औरत को इज्जत ना मिले तो वो अपनी जात के खोल में बंद हो जाती है। मर्द समझता है उसने औरत को तस्खीर कर लिया है, उससे दबकर खामोशी इख्तियार कर ली है। बेवकूफ मर्द, वो ये नहीं जानता कि ये खामोशी मर्द जात की नफी के लिए इख्तियार की गई है और उस चुप के पर्दे में फकत बेजारी, नफरत और मसलहत के जज्बे पोशीदा हैं। दुनिया में कोई भी मर्द आखिरी मर्द नहीं होता, औरत की हया और वफा उसे आखिरी मर्द बनाती है, मगर औरत की सबसे बड़ी बदकिस्मती कि वो इसी नुक्ते पर सबसे ज्यादा मार खाती है।